दोस्तों आज हम बनाएंगे सूरत का एक बहुत ही खास और यूनिक स्ट्रीट फूड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मैं निष्ठा, स्वागत है आपका फूडिबिटी चैनल में। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूनिक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। हम सबसे पहले बनाएंगे एक मिक्सर जो स्टफिंग में यूज होगा। सबसे पहले हम तड़के के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 तेज पत्ता। जब ये तड़क जाएगी तब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप हरा मटर, इसे भी मसालों के साथ भून लेंगे। दोस्तों आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। हम इसी तरह की यूनिक रेसिपी लाते रहेंगे। अब इसमें जाएंगे 1 कप मैश्ड बॉइल्ड पोटैटो यानी कि उबले हुए आलू। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। आलू को भी अच्छे से भून लेंगे। स्टफिंग में से तेज पत्ता बाहर निकाल देंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक डाला है। अब 2 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज नीचे बने लाइक बटन को दबा दें और यूनिक रेसिपी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम लेंगे 5 से 6 टमाटर। ध्यान रहे टमाटर टाइट होने चाहिए। अब इन्हें हम इस तरह से काट कर इनके बीच का पार्ट और बीज निकाल देंगे। जो टमाटर मैंने बीज से निकाला है आप उसे सब्जी में यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे टमाटर रेडी कर लिए हैं। अब इनमें हम स्टफिंग भरेंगे। ध्यान रहे स्टफिंग टमाटर के बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये टमाटर के लेवल में ही होनी चाहिए। सारे टमाटर मैंने भरकर रेडी कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे एक मिक्सचर जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप बेसन, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। दोस्तों घोल बनाते समय ये ध्यान रखें कि इसकी कंसिस्टेंसी ब्रेड पकौड़े के घोल से थोड़ा थिक ही रहे। घोल हमारा तैयार है। पैन में मीडियम फ्लेम पर तेल गरम करेंगे। टमाटर को उठाकर इसे बेसन के घोल में लपेट लेंगे। अब ये जाएगा गरम तेल में। इसे गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। हमें केवल बेसन को पकाना है। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम एक टिश्यू पेपर लगी प्लेट पर निकाल लेंगे। दोस्तों आप यहां आंच को मीडियम ही रखें वरना टमाटर बेसन के पकने से पहले गलकर बाहर निकल आएंगे और ये पकौड़े गोल्डन कलर होने के बजाय लाल हो जाएंगे। दोस्तों आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। स्टफ टमाटो पैटीज तैयार हैं। इन्हें हम काट कर सर्व करेंगे। आप चाहें तो इन पर चाट मसाला डाल सकते हैं।
इन्हें हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।